भैया जी। तो ये जो आ गए केसी घाट पे, यहाँ पे कर रहे हैं बोटिंग। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. Radhe Radhe भैया जी, हम लोग आ चुके हैं केसी घाट से और यहाँ पे हम लोग जी बोट राइड करने वाले और सनसेट का इंतजार करने वाले और उसके बाद हम लोग यहाँ से जाने वाले इस्कॉन टेम्पल नाइट में। अभी तो 5 बज रहे शाम के, सनसेट तो अभी 1 घंटा है, तब तक हम लोग घाट से ही आराम करने वाले। वृंदावन के जो बाकी सारे टेम्पल है वहाँ से ये 3 या 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे और डायरेक्ट हम लोगों को मतलब बैटरी रिक्शा का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप होली में आ रहे हो तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे रूट्स बंद किए गए हुए हैं। अभी ये व्यू के साथ ये लोग यहाँ पे बैठे, नीलेश यहाँ पे बैठा है, हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे। राधे भैया जी। तो ये जो हम आ गए केसी घाट पे, यहाँ पे कर रहे हैं बोटिंग। बोटिंग के आनंद में जो मजा है सनसेट के समय, आए 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 आए, खुशी देख रहे भाई की। ओ भाई, राधे 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 भाई। बहुत 1 घंटे से बैठे थे हम लोग, ये टाइम का वेट कर रहे हैं। अभी शाम के बज रहे 6:02-3 तक जा रहे हो और बोटिंग करेंगे बढ़िया वाली। यहाँ पे आरती होने वाली है बट हमको इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर भी जाना रहता है, तो देखेंगे जैसा टाइम मैनेज होता है वैसे हम लोग करने वाले। तो भैया जी राधे राधे और वृंदावन का हम लोग पूरा आनंद लेते हुए। जमराज और शनि की बहन, तो इधर में इस जमुना मैया के 4 किलोमीटर के एरिया में कालिया नाग सरफ रहता था। 108 मुंह थे उस कालिया नाग के। इस नदी के अंदर कोई भी गाय पानी पीती थी मर जाती थी, कोई भी मनुष्य पीता था मर जाता था। ये जमीन से लेके आकाश की तरफ ऊपर 4 किलोमीटर ऊपर तक कोई भी जीव जंतु उड़ के जाता, इसी में गिर जाता था। अच्छा। तो यहाँ भगवान ने बॉल का खेल किया, वो बॉल नदी में गई। तो भगवान ने यहाँ कदम का वृक्ष है, उस कदम के वृक्ष से यहाँ भगवान ने कालिया नाग को निकालने के लिए छलांग लगाया। 3 दिन 3 रात कालिया नाग से युद्ध किया नदी के अंदर। जब भगवान 3 दिन तक नहीं निकले तो बाल बाल धोते हुए गोकुल को गए मैया के पास, मैया तेरा लाला नदी में गिर गया, वो तो मर गया। तो पूरा परिवार गोकुल से रोता हुआ आ रहा है, कह रहा है कि अगर हमारा कन्हैया अगर नदी से नहीं आएगा निकल के जिंदा, तो मैं इसमें गिर के मर जाऊंगी मैया के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने इधर कालिया नाग से युद्ध किया। युद्ध करने के बाद में मैया को डराने के लिए भगवान कृष्ण ने कछुआ का रूप बना के मैया की तरफ मुंह फाड़ दिया। मैया कहती है मेरा लाला नहीं आएगा निकल के, तो मैं इसमें गिर के मर जाऊंगी। तो भगवान कहते हैं मैया हकीकत में रो रही है, तू मरने को आई है कि वैसे ही रो रही है, सबको रुला रही है। तो या भगवान ने दूसरा रूप कछुआ का बना के मैया की तरफ मुंह फाड़ दिया। तो मैया कछुआ को देख करके पीछे को हट गई, कहती है ये वही कछुआ है, मेरा लाला नदी में गिर गया, मेरे लाला को खा गया, अगर आज मैं गिरूँ तो मेरे को भी खा जाएगा। कोई बात नहीं, लाला को खा गया खा जाने दो, मैं तो जिंदी हूँ। तो मैया के मन में पाप आया। तो भगवान श्री कृष्ण ने 3 दिन 3 रात युद्ध करने के बाद कालिया नाग को लेकर के बाहर आए। तो मैया कहती है लाला तू अगर नदी से नहीं आता तो देख मैं गिर के मर जाती, गिरने के लिए आई। तो भगवान ने कहा भैया देख तू मरना मरना चिल्लाती है,
तू मरने के लिए तो आई, अगर तू नदी में गिरती मैं तेरे को मरने नहीं देता, मगर कलयुग में ऐसा समय आएगा बूढ़े बूढ़े वृद्ध लोग देंगे, जवान जवान चले जाएंगे। अरे हाँ, बढ़िया बढ़िया अंकल जी बढ़िया। बोले वृंदावन चंद वाके बिहारी लाल की जय, जगन्ना मैया की जय। जी राधे 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 राधे। मजा आ गया भाई, फुल रिफ्रेशिंग, एकदम एक नंबर वाला बोट राइड, बोल सकते हैं वर्थ एक्सपीरियंस। और सुन लो कैसा लगा? बहुत बहुत बढ़िया, मैं तो पहली बार आया, मैं तो बहुत चलो भाई लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद अभी चलते हैं इस्कॉन मंदिर और वहां से जाएंगे प्रेम मंदिर। चलिए राधे राधे भैया जी। रात के बज गया 8:30, अभी हम लोगों ने किए इस्कॉन मंदिर के दर्शन, वापस हम लोग जा रहे हैं प्रेम मंदिर की तरफ। यहाँ पे अपन को प्रेम मंदिर के नाइट व्यू देखने का, लाइटिंग वगैरह सुना है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मैं खुद एक बार आया भी हूँ तो काफ़ी खूबसूरत है, तो वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। केसी घाट में अपन ने वो देखा सनसेट देखा, उसके बाद हम लोग गए थे इस्कॉन, अब जा रहे हैं हम लोग प्रेम मंदिर। बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए। और ये भाई ट्रैफिक है इधर का, मतलब यहाँ पे दिन है रात है किसी को कुछ फर्क नहीं, बस राधे राधे बोलते और चलते रहे। तो राधे राधे भैया, हम लोग हैं प्रेम मंदिर में, अभी अपन ने देखा प्रेम मंदिर का नाइट व्यू और अभी रात के बज गए 9:30 के आसपास, 9:30 हो गए और यहाँ पे अभी सारे टेंपल्स क्लोज हो जाएंगे। और हम लोग भी सुबह के निकले हुए 6 बजे के, भाई शक्ल पहले कैसी थी और अब कैसे इससे आपको समझ आ रहा है कितने थक गए। अभी भी यहाँ से 25 किलोमीटर्स या 26 गोवर्धन की तरफ जाना है, वहाँ पर अपना हॉस्टल बोल रहा हूँ होटल बुक है, और कल का बरसाना और नंदगांव जाने का प्लान है, नंदगांव की होली खेलेंगे और कल फिर तो सेम रूटीन सेम थकान थकान भीड़ भाड़। और परसों के दिन अपनी ट्रेन है मुंबई के लिए, वो भी शाम की है, तो वापस सुबह घूमेंगे फिर घूमेंगे, यही है प्लान। तो चलो भैया जी, जो था आज का सफ़र यहीं तक, ज़रूर बताइए कैसा लगा और तब तक के लिए राधे राधे। They want me to do something like